करीमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं सहारनपुर की खबरों की ओर। सहारनपुर मध्य प्रदेश में तेजी से फैले कोरोना वायरस के बाद अब लोगों को एक बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है। राहत में प्रशासन द्वारा नगर में जनता एवं व्यापारियों को लॉकडाउन में राहत देते हुए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनलॉक किया गया है। उसी तरह जनता भी प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कम तादाद में बाजारों में निकल रही है। मास्क का उपयोग किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। दुकानों की अगर बात करें तो दुकानों पर भी प्रशासन के नियमों का पूर्ण तरह पालन दिखाई दे रहा है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। अनलॉक हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए नियम और नई शर्तों के साथ मध्य प्रदेश को खोलने की इजाज़त दे दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय के बाद 1 जून यानी आज से मध्य प्रदेश अनलॉक हो चुका है। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की, तो सहारनपुर के अधिकारियों के द्वारा सहारनपुर नगर को अनलॉक कर दिया गया है। अधिकारियों ने सहारनपुर को जैसे ही अनलॉक किया, आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नगर अनलॉक रहेगा। लेकिन जिस उम्मीदों के साथ प्रशासन ने अनलॉक की शुरुआत की थी, उसी उम्मीद के साथ व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग किया है। हम बात करें नगर के मुख्य बाज़ारों की, तो बाज़ारों में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसन, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। जिन पाबंदियों के साथ, जिन शर्तों के साथ, जिन नियमों के साथ अनलॉक शुरू किया है, उनकी पूरी शर्तें मानी जा रही हैं। हर नियम का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हम दुकानों की अगर बात करें तो दुकानों पर बिना मास्क के ग्राहकों को आने नहीं दिया जा रहा है। बिना सोशल डिस्टेंसन के दुकानों पर ग्राहकों को खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। अभी हमने सहारनपुर के फैमिली शॉप पर जाकर देखा था, वहाँ पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसन का पालन किया जा रहा था, सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था। तमाम और भी बाज़ारों में हम जहाँ पहुँचे, वहाँ सब जगहों पर सोशल डिस्टेंसन का पालन कराया जा रहा था। सहारनपुर के प्रशासन की हम अगर बात करें तो सहारनपुर के SDM राकेश मोहन त्रिपाठी, तहसीलदार सौरभ वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनोद कुमार गिरजे और पुलिस के थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने जिस तरह से जनता से अनलॉक का पालन करने के लिए अपील की गई थी, देर शाम अनाउंसमेंट कराया गया था, उसी पालन के साथ जनता अनलॉक की प्रक्रियाओं का पालन करती दिखाई दे रही है। आपको साथ साथ ये भी बताते चले, नगर सहारनपुर 4 बजे तक खुला रहेगा। 4 बजे के बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार नगर को वापस से जनता कर्फ्यू का पालन करना पड़ेगा, जबकि 24 घंटे मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी। दूध की दुकानें शाम 7 बजे तक चालू रहेंगी। बाकी बाज़ार को जिस तरह से अनलॉक किया गया था, वह 4 बजे तक रहेगा। आज सहारनपुर नगर में दस्तक न्यूज की टीम ने पूरा सर्वे किया। जब बाज़ारों में दस्तक न्यूज की टीम पहुंची, तो वहां पर लॉकडाउन को अनलॉक किया गया है, उसकी प्रक्रियाएं जिस तरह से गाइडलाइन बताई गई थी, उनका पालन होते दिखाई दिया है। दुकानों पर हम बात करें तो दुकानों पर भी पूर्णतः पालन होता दिखाई दिया है। सहारनपुर का प्रशासन सजग और सतर्क है। बाज़ार में पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। SDM राकेश मोहन त्रिपाठी, तहसीलदार सौरभ वर्मा लगातार नगर में भ्रमण कर रहे हैं और अनलॉक जैसे ही किया गया है, उसकी पूरी व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। जिस तरह से बस स्टैंड पर एक पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक लोगों के सैंपलिंग की जा रही है, लोगों की जांच की जा रही है, वहाँ पर सैंपलिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका, पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। तहसीलदार सौरभ वर्मा इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह से अनलॉक किया गया, पूरी व्यवस्थाएँ सहारनपुर नगर में दुरुस्त हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के जिस तरह से निर्देश हैं, उनका पूर्णतः पालन हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा आखिर इस कोरोना गाइडलाइन, इस अनलॉक की प्रक्रिया का कब तक पालन किया जाता है। कैमरा पर्सन सिद्धू सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक न्यूज़, सहारनपुर।